हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। इसमें जो आपका थर्ड चैप्टर है आज हम वो देखने वाले हैं, जो है आपका मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन? दो पार्ट की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। आज इस थर्ड चैप्टर का आपका ये फर्स्ट पार्ट है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। इस चैप्टर भी मैं कई पार्ट में वीडियो अपलोड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। चैप्टर का नेम होगा आपका मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव आपको पता है क्या करता है? लैंगिक जनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मानव क्या होता है? नर और मादा। नर में आपका नर जननांग पाया जाता है और मादा में आपके मादा जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आपके क्या फॉर्मेशन होता है? नर युग्मक का। इसमें आपके क्रोमोसोम की जो संख्या वो कितनी होती है? 23 होती है। मादा युग्मक भी, जो मादा जननांग है उससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मादा युग्मक बनता है, इसमें भी 23 होते हैं। नर युग्मक में आपका क्या होता है? शुक्राणु स्पर्म होता है। और मादा युग्मक में क्या होता है? आपका अंडाणु, जिसको हम ओवम कहते हैं। अब शुक्राणु जो है नर युग्मक, इसके निर्माण की क्रिया आपकी शुक्र जनन कहलाती है। और जो मादा युग्मक है, जिस अंडाणु, इसके निर्माण की क्रिया को आप क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, अब ये जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक पहुंचते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचते हैं? स्त्री जनन पथ के माध्यम से जाते हैं। और यह पूरी क्रिया क्या कहलाती है? वीर्य सेचन कहलाती है, जिसको हम इनसेमिनेशन कहते हैं। जब शुक्राणु स्त्री जनन पथ के माध्यम से मादा तक जाते हैं तो यह क्रिया वीर्य सेचन इनसेमिनेशन कहलाती है। फिर क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो जायगोट कहलाती है। जायगोट से जो है आपका वो, जिसको हिंदी में युग्मज कहते हैं, युग्मज आपका क्या होता है? डिप्लॉइड अवस्था में होता है। मींस एन नर के मिल गए, एन मादा के मिल गए, तो 46 हमारे क्रोमोसोम हो जाते हैं, जो हमारा 2N मतलब द्विगुणित अवस्था हो जाती है। अब जो ये युग्मज है, जायगोट, ये विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है और यह मादा के गर्भाशय में चिपक जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? इम्प्लैनेशन, अंतरोपण कहते हैं। 9 महीने का इसमें समय होता है, उसके बाद क्या होता है? प्रसव मतलब शिशु का जन्म होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मानव जनन में, जो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मानव में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नर और मादा होते हैं। नर में नर जननांग क्या होता है? आपका नर युग्मक, जो अर्धसूत्री विभाजन में किस फलस्वरूप बनता है। मादा में मादा जननांग होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक बनाता है। नर युग्मक में आपका शुक्राणु स्पर्म होते हैं, मादा युग्मक में अंडाणु होते हैं। शुक्राणु जो बनता है, इसके निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है और अंडाणु के निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। शुक्राणु जब अंडाणु तक जाते हैं, मादा तक जाते हैं, स्त्री जनन पथ के माध्यम से जाएगी और यह क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जायगोट फॉर्मेशन होता है। जायगोट में क्या होता है, जो आपके मिलते हैं ये 23+23 46 बन जाते हैं। और क्या होता है, यह विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, यह मादा के गर्भाशय में चिपक जाता है। इससे क्या कहते हैं? इम्प्लेनेशन कहते हैं। और 9 महीने का समय होता है और फिर शिशु का जन्म होता है। अब जो हमने पढ़ा है उसको हम डिटेल में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, सबको पता है। मनुष्य में नर पुरुष तथा मादा स्त्री प्राणी होती है। पुरुषों में नर जननांग और मादा में स्त्री जननांग पाए जाते हैं, अर्थात मानव एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि अलग अलग उनमें जननांग पाए जाते हैं। मनुष्य में जनन घटना के अंदर युग्मक का बनना, पुरुषों में नर युग्मक मतलब शुक्राणु और निर्माण, और मादा में अंडाणु का बनना मतलब ओवम निर्माण होता है। युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, चाहे वो नर हो या मादा, क्योंकि युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक जनन के पश्चात फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ में शुक्राणु का स्थानांतरण होता है, जिसको हम वीर्य सेचन कहलाते हैं। आपको मैंने बताया था, जब जो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब जायगोट बनता है तो वो क्रिया हमारी वीर्य सेचन कहलाती है। और अंडाणु तथा शुक्राणु का क्या हो जाता है? संलयन हो जाता है, मीन्स उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। इसके बाद युग्मज ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इसकी रकम इम्प्लेनेशन अंतरोपण कहते हैं। उसके पश्चात क्या होता है? भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि, गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रसव मतलब शिशु का जनन। ठीक है, जन्म होता है, मनुष्य शिशु को जन्म देता है, अर्थात मनुष्य जरायु या सजीव प्रजक। आपको पता है जो भी मनुष्य शिशु को जन्म देता है, जब कोई भी शिशु को जन्म देता है उसे कहते हैं हम जरायु या सजीव प्रजक प्राणी। तो आगे हम देखते हैं आगे कौन सा है, ये आपने समझ लिया लैंगिक जनन क्या होता है। आगे वाला टॉपिक आपका जाता है लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम किसका है? ये मादा जननांग का है। ठीक है, ये क्या होता है? ये गर्भाशय है, ये आपका ये अंडाशय होता है, ये मादा युग्मक अंडाणु जिसके अंदर बनते हैं। ये भी आपका अंडाशय ओवरी है, ये आपकी फैलोपियन नलिका होती है। फैलोपियन नलिका में क्या होता है? अंडाणु बनते हैं जब स्पर्म जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य एकलिंगी प्राणी है, इसमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है।
लैंगिक दुरूपता से यहाँ मतलब ये है कि जैसे नर नर अलग होता है, मादा अलग होती है, मादा में कुछ अलग लक्षण होते हैं, नर के कुछ अलग लक्षण होती है, इसे हम लैंगिक दुरूपता कहते हैं। मीन्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना पुरुषों में होता है, मादाओं में क्या होता है स्तन ग्रंथि का विकसित होता है और अल्प विकसित भी होती है, और जो नर में अल्प विकसित होती है। स्त्रियों में क्या होता है आवाज हल्की होती है और पुरुषों में आवाज भारी होती है। तो ये आपकी लैंगिक दुरूपता स्पष्ट करती है। फिर आ जाता है आपका जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। वे अंग जो जनन में आवश्यक होते हैं, सहायक होते हैं, वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है, वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है आपका प्राथमिक लैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम जनन भी कहते हैं। ठीक है, नर में जननांग एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, मादा में जननांग एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। वृषण में शुक्रजनन की प्रक्रिया होती है जिससे नर युग्मक बनता है, मादा के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया होती है और अंडाणु बनता है। तो ये आपका प्राथमिक लैंगिक जनन कहलाता है। फिर आता है आपका द्वितीयक लैंगिक जनन, जिसको हम सहायक लैंगिक जनन भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इन अंगों में क्या होता है, युग्मक का निर्माण तो नहीं होता लेकिन जनन में ये सहायक होते हैं। नर में द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में वृषणजालक, शुक्रवाहिका, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शिशन मतलब पेनिस पाए जाते हैं। मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग, फैलोपियन नालिका, गर्भाशय, योनि पाए जाते हैं। अब एक यहाँ पे नोट लिखा है कि जनन के कार्यों का नियमन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन द्वारा होता है। नर के वर्षन में कौन सा हार्मोन होता है ये पूछा जाता है। तो वहाँ पे जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं। तो इस हार्मोन का स्त्राव होता है जो उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और नियमन करते हैं। अब मादा के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक जनन और मासिक चक्र का नियमन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर लिंग हार्मोन तथा एंड्रोजन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड्रोजन में एस्ट्रोजन दोनों स्टेरॉइड होते हैं। आगे आ जाता है आपका यौवनारंभ। ठीक है, द्वितीयक लक्षणों का विकास और प्रकटन ही यौवनारंभ है, मतलब जब आप यौवन होने स्टार्ट होते हैं। मनुष्य में प्रजनन काल की शुरुआत यौवनारंभ से होती है। इस दौरान लड़कियों और लड़कियों में जो अंतर होता है वो स्पष्ट हो जाता है। ये अंतर है, ठीक है, नॉट अंदर। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आ जाती है, स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। लड़कियों में जो यौवनारंभ है वो 10 से 15 वर्ष की आयु में, और लड़कों में जो यौवनारंभ है वो 13 से 16 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोट दिखाऊंगी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं स्टार्टिंग से आपको नोट्स दिखा रही हूँ जहाँ से मैंने आपको समझाया था। आपको वीडियो को पॉज करके अपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। सेकंड जो इसके पार्ट डालूंगी उसमें मैं आपको आगे के नोट्स दिखाऊंगी। दो जो मैंने पार्ट्स डाले हैं, दो लेसन जो है आपके, उसके जितने भी पार्ट आप देखोगे पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट अच्छे से करवाया है। आपने अगर नहीं देखे तो वो वीडियो चेक कर सकते हो। और आपको क्या करना है, अगर अच्छी लगी है वीडियो, आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं आगे चैप्टर के नोट्स भी आपके लिए ला सकूँ। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। Thank you.